देखा नहीं आपने इसको सच में ट्रेन का जलने का डब्बा तो खा रहे हो ऊपर से मसल मसल की भूख भी तुम लोग की नियत तो नहीं लग रही है क्यों उड़ा रहे हो कहा रहे भैया घर में बैग में खा लेते हैं तो घर में भी आप बैग पे बैठ कर भूख के उड़ाते हो तुमने उड़ाया नहीं कभी जिंदगी बहुत तुमने कम्बल अम्बल पूरे साल तुम याद करो कम्बल हम लोग झगड़ा करते थे अपनी गाड़ी में आकर बता रही हूँ कि हम मतलब खाया नहीं वाह भाई वाह कम्बल में कब किया हमारी मम्मी कम्बल सऊदी से अम्मल आई थी वो गंदा कर दिया अपनी गाड़ी में कह रही हो कि हमारा वो गाड़ी गंदी हो रही है भाई मूंगफली खा रहा हूँ बीच रास्ते मूंगफली खा रहे मूंगफली कैसे खाना है अम्मी अम्मी आप भी यही खाओ यही मालो यही उड़ाओ यही नमक चाटो यही करो सब कुछ तो फ्रेंड्स एक बार फिर वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो फ्रेंड्स आपने फर्स्ट क्लिप में देखा होगा कि एक छोटी सी बात के लिए सबा और सनी किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। लड़ना ही नहीं बल्कि तेरा और मेरा तक का यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल सनी को मूंगफली खाने का शौक़ पैदा हो गया है और वो गाड़ी में बैठकर मूंगफली खा रहे हैं और छिक्कल यानी कि उसको पर जो छिकला होता है वो भी वहीं पर बैठकर उड़ा रहे हैं। इस बात को देखकर सबा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और सनी से कहने लग जाती हैं कि ये क्या तरीका है कि यहीं पर खा रहे हो और गाड़ी भी गंदी कर रहे हो। तो सनी कहते हैं कि तुम्हें क्या अपनी गाड़ी का मतलब एहसान जता रही हो, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या है तुम नहीं करती हो ऐसे। तब सबा कहती हैं कि मैंने ऐसा कब किया, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ कि जहाँ पर खाती हूँ वहीं पर उड़ाती हूँ। तब सनी का कहना था कि जब तुम मोदाहा में हमारे घर पर थी तब कंबल में बैठकर मूंगफली नहीं खाती थी और वहीं पर छिक्कल उड़ाती थी, किस तरीके से मैंने वहाँ पर बैठ बैठ कर कंबल साफ किए हैं, क्या ये बात झूठी है। तब सबा कहती है कि नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सनी कहते हैं याद करो हमारी अम्मी के अरब के कंबल थे जो तुम वहाँ पर गंदे करके आई थी और मैंने साफ करे थे वो अपने हाथों से। तब यहाँ पर सबा कहती हैं हाँ हाँ मैं कब मना कर रही हूँ, खूब गंदगी करो यहाँ पर बैठकर, कुछ और काम बचा हो वो भी यहीं पर कर लो। अब इसी बात को लेकर लोग सबा और सनी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये दोनों घमंडी हो चुके हैं और एक दूसरे की इज्जत और अहमियत नहीं समझते हैं। पहले हमने अपने व्लॉग में देखा है कि दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और ज़्यादातर हंसी मजाक करते हुए नज़र आते थे, लेकिन जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तब से दोनों की झड़प बराबर चलती हुई दिखाई देती है। कोई ना कोई छोटी मोटी बात पर दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। अब सबा वही वाला सनी चाहती हैं जो कि उनके साथ पहले रहता था और आगे पीछे घूमता रहता था, हंसी मजाक करता रहता था, सबा के छोटे मोटे काम करता रहता था। लेकिन अब सबा को समझना चाहिए कि सनी अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, वो अपने रेस्टोरेंट में पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब वो सनी नहीं है जो चमचों की तरह सबा के आगे पीछे घूमते रहते थे। हाँ देखा तो ये बात ज़रूर जा रही है कि जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ है एक अलग ही इमेज सनी की दिखाई पड़ती है। एक जगह सबा ये भी कहती हैं कि सनी व्लॉग शुरू हो रहा था कि आप सबका स्वागत है सब्सक्राइबर से कहो, तो सनी कहते हैं नहीं नहीं सब्सक्राइबर का वो स्वागत नहीं है। तो यहाँ पर ये बात भी देखने को मिलती है कि वो सब्सक्राइबर के साथ भी ऐसी ही बिहेव कर रहे हैं और सबा के साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके का बिहेव उनका नज़र आ रहा है। अब या तो वो काम में ज़्यादा बिजी हैं या फिर उन्हें अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है, इस वजह से वो किसी भी बात में सबा से अब दबते हुए कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बना ली है और उसी में रहते हैं। पहले वो सबा के आगे पीछे रहते थे, जो सबा कह देती थी वही सही है, लेकिन अब ये वो वाले सनी नहीं हैं, अब सबा से हर बात पर अच्छी खासी मुजोरी करते हुए नज़र आते हैं। जब से रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है और रेस्टोरेंट के काम में सनी बिजी हुए हैं तब से वो एकदम बदल गए हैं। लेकिन सनी कितना भी बदल गए हैं यहाँ पर लोगों का कहना है
लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि कम से कम औरों की नहीं, सबा की तो रिस्पेक्ट वो ज़रूर करें, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर बैठे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सबा की वजह से वहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो आप जान सकते हैं कि ये क्या करते हुए होते कहीं पर। सिर्फ़ और सिर्फ सबा की ही वजह है जो उन्होंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट अपने पैसों से खुलवा कर सनी को दिया है। सबा को छोटी छोटी बातों पर कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। इस बात का भी सबा के फैंस बहुत बुरा मानते हैं। अगर उनकी हाइट थोड़ी कम है तो इस बात को लेकर वो हर जगह उन्हें ताना मारते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक जगह वो फ्रिज खरीदने जाती हैं तो वो फ्रिज छोटा था। सबा कहती हैं कि ये फ्रिज छोटा है, तो इस बात पर सनी उनसे कहते हैं हाँ ये तुम्हारी तरह हैं। तो इस बात का भी सबा के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं कि आखिर सनी इस बात का एहसास उन्हें बार बार क्यों जताते हैं और कहीं पर भी कुछ भी कह देते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ या क्या नहीं। सोशल मीडिया पे हूँ, सब लोग इसे देख रहे हैं, इतना तो कम से कम सनी को पता होना चाहिए। अब अगर सबा सनी से किसी काम को कहती हैं तब सनी बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सबा कहती हैं मुझे शॉपिंग करना है या बाहर जाना है, तब सनी को इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो सबा को घुमा पाएँ या कहीं बाहर ले जाएँ, तब वो मना कर देते हैं। इस बात पर भी सबा बहुत ज़्यादा बुरा मानती हैं। इस बात को लेकर लोग उन्हें यानी कि सबा को एक सलाह देते हैं कि सनी का माइंड डाइवर्ट बिल्कुल ना करें, सनी जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, उनका दिमाग इधर उधर ना करें, अगर वो मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो उन्हें मेहनत करने दें। लेकिन सबा वही वाला सनी चाहती हैं जो कि रेस्टोरेंट खुलने से पहले था। सबा के आगे पीछे रहते थे, बताओ क्या हुक्म है मेरा का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सनी का अपना काम है, वो सारा दिन उसी में ही मेहनत करते हैं, तब ऐसा नहीं होगा कि वो सबा के भी सारे नखरे उठा पाएँ। यहाँ पर आपने दूसरी क्लिप में देखा होगा कि सबा जो है वो प्रैंक करती हैं और कहती हैं कि मुझे 2:30 बजे बाहर घूमने के लिए जाना है। इस बात को लेकर अम्मी भी डांटती हैं कि इतनी रात में तुम्हें घूमने की पड़ी है, लेकिन सबा भी सनी भी मना कर देते हैं कि भाई मैं इतना थका हार आया हूँ, मैं तो घुमाने के लिए लेकर नहीं जाऊँगा। तब सबा कहती हैं कि बताओ कोई घुमाना तो दूर मेरी तारीफ़ ही कर देते सनी, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सनी ने ऐसा भी नहीं किया। तो इस बात को देखकर सबा को थोड़ी तकलीफ़ होती है कि पहले सनी कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। तो सबा इन सब बातों की तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब खाली रहता है इंसान तो हर तरह के काम करता है। अब सनी सारा दिन रात रेस्टोरेंट में मेहनत करते हैं तो वो आपको पूरा टाइम कैसे दे सकते हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और रेस्टोरेंट में बहुत पैसा लगा हुआ है, लोगों की यही सलाह है कि सनी का माइंड डाइवर्ट ना करें, उनको अपने रेस्टोरेंट में मेहनत करने दें, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बदल जाएंगी आगे, सनी उनका भी करेंगे, रेस्टोरेंट का भी पूरी तरह करेंगे, तो जैसा है उसको झेलने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ज़रूर बदलेंगी और सनी दोनों चीज़ें अच्छे से संभाल लेंगे, यानी कि घर भी और अपना रेस्टोरेंट भी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या सनी अभी से तेरा मेरा कर रहे हैं या फिर वो घमंडी हो गए हैं? तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना